तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रकोण नोएडा भारत से, और आज टाटा सफारी 2015 मॉडल गाड़ी है। इसमें सस्पेंशन का प्रॉब्लम है, 78,000 किलोमीटर चली हुई है और उसमें साउंड का प्रॉब्लम आ गया इस गाड़ी के अंदर। 78,000 में एक मेजर सर्विस करेंगे, आगे का और सस्पेंशन पीछे का सस्पेंशन दोनों ही चेक करेंगे कौन से सस्पेंशन में इशू है और कितना क्या क्या पार्ट कटे हुए हो सकते हैं 78,000 किलोमीटर पे। 2015 की गाड़ी है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, तो चेक करते हैं एक एक चीज। मेजर सर्विस करेंगे, फुल सस्पेंशन करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और टायर का भी इशू है कि थोड़ा टायर साइडों से खा रही है। पहले फ्रंट सस्पेंशन से ही शुरू करते हैं, फिर उसके बाद से सर्विसिंग का प्रोसेस रहेगा। इंजन की एक कंडीशन है, देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे मैकेनिक भाई हैं फोर व्हीलर, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है कि एक मैकेनिक टीवी ऐप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस मैकेनिक टीवी ऐप पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। उस कॉन्टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं, और उसमें करना क्या है, एक छोटा सा वीडियो बनाना है, जैसे कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का वीडियो बनाना है कि आप कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। उस वीडियो को यदि मैकेनिक टीवी पे भेजते हैं, जिसका व्हाट्सअप नंबर मैं लिंक में दे रहा हूं, तो वो मैकेनिक टीवी पे आपका वीडियो चलेगा, मैकेनिक टीवी ऐप पे। और वो वीडियो जो है, यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहा उस वीडियो का, तो आप जीत सकते हैं 10,000 रुपए का कैश इनाम। बहुत बढ़िया मौका है, तो लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हैं, उस पर भेज सकते हैं। बहुत टॉप का मौका है, तो देर ना करें। जितने भी मैकेनिक भाई हैं, बाइक वाले तो बहुत सारे आ गए हैं उस पे, लेकिन मैकेनिक जो फोर व्हीलर मैकेनिक है वो लोग नहीं आ पाए हैं, ज्यादा बहुत कम लोग हैं, तो ये चांस गंवाइए नहीं, बहुत टॉप का चांस है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सारा बखेर लिया है, एक एक चीज को चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब पास में आ जाओ थोड़ा सा। सबसे पहले ये स्टेयरिंग के जो सोकर है, इस सोकर को चेक करेंगे कि क्या कहानी है सोकर की। सोकर तो भाई बिल्कुल सेट है, सोकर में कोई कमी नहीं है। जंपिंग रोड की किट, ये किट पूरी तरीके से फटी पड़ी है, ये सारे हमें चेंज करना पड़ेगा। जंपिंग रोड बूस्ट चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसमें थोड़ा सा प्ले आ गया है, इसकी वजह से ये दिक्कत कर रही है। अब ये देख सकते हैं बीम ठोकर, ये बीम ठोकर को चेंज करना पड़ेगा। इसके सोकर ये डैमेज है, हमने खुलवाया एक सोकर, वो सोकर चेंज करेंगे। ये ऊपर के जो चिमटे हैं, इधर आ जाओ। पूरा इसकी जो थिकनेस है पूरी खत्म हो चुकी है, तो मुझे डिस्पैड चेंज करना पड़ेगा पूरा सेट। बहुत ज्यादा कटी हुई है, इसको हमें डिसफेस कराना पड़ेगा डिस्पैड चेंज करके। बैरिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, बैरिंग में कोई शिकायत नहीं है, तो बैरिंग हमने रहने देना है, खाली डिसफेस कराना है। इधर वार्सल नहीं है, वार्सल डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लीकेज और सीलेंस की ये समस्या है, तो इसको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेयरिंग की जो सेंटर पिन होती है, ये पूरी तरीके से कटी पड़ी है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा प्ले था, तो मैंने इसको चेंज करना है। एंड खराब है, ये बहुत ज़्यादा हीला पड़ा है, इस एंड को चेंज करेंगे, इस एंड को चेंज करेंगे, ठीक है। ये इसके जो बूस है, सेंटर पिन का जो बूस है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसी बूस में चलते हैं सेंटर पिन, तो इस सेंटर पिन को और ये बूस को दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा हमें। ऊपर वाले चिमटे का बूस है पूरी तरीके से कटा पड़ा है, आज चूंकि 70+ चल चुकी है गाड़ी, तो जितना उम्मीद था उतना नहीं कटा है। सबसे मजे की बात देखिए, ये भी कट गया पूरा, तो इसको हमें बूस को चेंज करना पड़ेगा। गोली की यदि बात करें, तो जो इसके बाल ज्वाइंट है, व्हील ज्वाइंट, ये व्हील ज्वाइंट बिल्कुल एक्यूरेट है, ये और नीचे वाला, तो व्हील ज्वाइंट को रहने देंगे अभी, व्हील ज्वाइंट नहीं चेंज कर रहे हैं। ये देख सकते हैं इस दूसरे साइड का है, तो इसका भी बूस पूरी तरीके से कटा पड़ा है, इसको चेंज करेंगे। और ये कटी जाते हैं, स्वाभाविक है, 70,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा चली भी हुई है, तो ये चिमटे का बूस ज़्यादा नहीं है, इसके व्हील ज्वाइंट बच रहे हैं, नीचे का लोअर आर्म बच रहा है, जितने बूस हैं वो बच रहे हैं इसके, तो ये सोकर और इसके बूस भी खराब हो गए, तो मुझे कम्प्लीटली सोकर डालना पड़ेगा। ये देख सकते हैं बीम ठोकर जो दूसरी साइड का है, पूरा क्रैक हो चुका है, तो इसको चेंज कर देंगे हम, तो ये सही है, इसको हम रहने देंगे।
और उसके बाद से इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट, गियर ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, ये सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक मेजर सर्विस हो रही है। तो टोटली चेंज करेंगे और अभी जा रहे हैं हम मार्केट दिल्ली सामान लेने के लिए। पहले तो फ्यूल फिल्टर को चेंज कर देते हैं, देख सकते हैं टाटा का फ्यूल फिल्टर ले गया, ये है फ्यूल फिल्टर इसके। अभी फ्यूल फिल्टर मैंने फिट कर दिया है, अब इसमें पाइपें लगानी होगी। तो चूंकि ये वाला पाइप जो पंप वाला है वो आने का है टैंक से डायरेक्ट आने का, तो मेरे को एरो का मार्का देखना पड़ेगा किधर है। तो एरो का मार्का चूंकि आने का ये है और जाने का ये है, तो आने वाले मार्के में टैंक वाला लगाएंगे, जाने वाला जो है ये पंप में जो डायरेक्ट जा रहा है तो ये आउटपुट है, आउटपुट में लगाएंगे, और ये ओवरफ्लो है। ऑयल जो है निकाल दी हमने, और ऑयल कम भी निकला है थोड़ा सा, और ज़्यादा देख रहे हैं कितना गाद बना हुआ है। ऑयल ऑयल को निकाल दिया और ऑयल फिल्टर यहाँ लोकेशन ये रहा ऑयल फिल्टर का, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड का सोकर है इसके बराबर में ही होता है, तो मैं इसे चेंज करूँगा ऑयल खोलने के बाद। ये अब नया जो पिनियन है न्यू, इसमें चूंकि ये न्यू बूस्ट लगाने पड़ेंगे, और ये बूस्ट इसमें ठुका हुआ होता है, देख सकते हैं अंदर बूस्ट है, तो इस बूस्ट को निकलवा के मुझे न्यू बूस्ट लगवाना पड़ेगा और इसके साइज का प्रॉपर बनवाना पड़ेगा। ये तो पिनियन का सेंटर पिन का हो गया, और चिमटे का बूस्ट ये जेन्युइन बूस्ट ठुकवा देता हूँ मैं दोनों ऊपर वाले चिमटे के। अब ये खान साहब है बहुत पुराने आदमी है भाई, और इनकी दुकान देख के आपको लग भी रहा होगा कितना पुरानी दुकान है, बहुत तजुर्बेकार आदमी है भाई। पावर स्टेयरिंग रिपेयरिंग हुआ, एक्सेल हुआ, एक्सेल का तो काम बंद कर दिए ना हैं? क्यों एक्सेल का क्यों बंद कर दिए? एक्सेलों का इन्होंने काम बंद कर दिया, बहुत पहले इनको एक्सेल का काम था बहुत ज्यादा, तो अभी पावर स्टेयरिंग का फिलहाल शुरू कर रखे हैं, देख सकते हैं पावर स्टेयरिंग रिपेयर कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी है, सबसे पहले जितना वाजिब रेट होता है वही लेते हैं। इसी तरीके से चारों बूस्ट ठुक जाएंगे इसके और इसके, ठीक है। ऑयल फिल्टर ये वाला लेके आया था टाटा का, लेकिन ये चूंकि छोटा है ये 2.2 का दे दिए थे, और इसमें लगेगा पुराना मॉडल, तो इसलिए जो लगा हुआ था सेम टू सेम वही लेके आया, इसको कसते हैं। तो यहाँ मैंने फिल्टर बिल्कुल लगा दिए, देख सकते हैं, और यही फिल्टर निकला भी हुआ था, इससे ये पता पड़ती है कि थोड़ा मार्केट में शॉर्टेड है फिल्टर का, टाटा का फिल्टर का, और जिस टाटा का ये खासियत है भाई, इसको हटाओ जरा, उसी पार्ट का रेट हाई नहीं, माल शॉर्टेड होता है जिसका प्रिंट रेट से ऊपर चला जाता है, तो माल शॉर्टेड हो जाते हैं। अभी मैं ये सारा फिटिंग कर रहा हूँ, देखो ये नहीं मिला, एक बहुत कोशिश किया मैंने बतेरा लेकिन मिला नहीं, फिर देखते हैं दिल्ली जाते हैं। एयर फिल्टर को धो जरा, इसे साफ करेंगे। फ्यूल फिल्टर चेंज कर दिया, फ्यूल फिल्टर चूंकि टाटा का जेन्युइन मिल गया, ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया, वो प्योर लेटर का मिल गया। अभी इंजन ऑयल ये वाला यूज करने वाला है कैस्ट्रोल सीआरवी टर्बो मैक्स, कैस्ट्रोल का ये भी एक वेरिएंट है, टर्बो मैक्स है, 15W40 है, 15W40 है, और इस गाड़ी के लिए सबसे बढ़िया रहता है। कूपन है भाई, 45 रुपये का कूपन दे रहे हो इतनी बड़ी पार्टी में, चलो कोई बात नहीं, हमें कूपन से लेना देना नहीं है, लड़कों के होते हैं बस। अब इसको डालो, तू थोड़ा ध्यान कम दे भाई, वीडियो की तरफ ध्यान दे, वरना पब्लिक जो ना एक मिनट में 70 कमेंट कर देगी, उल्टा सीधा थोड़ा सा भी हुआ तो डालो इसे, तू समझता नहीं है ऑनलाइन का मामला है केड़ा चलता है, इधर इधर दिखाओ जरा, क्लियरिटी होनी चाहिए, वरना एक मिनट में कह देंगे भाई चमन ने टाइट है ना फुल्ली, डालो डालो, दिख रहा है क्लियर, मिस नहीं होना चाहिए कोई भी, नहीं तो एक मिनट में जो ना दिक्कत हो जाएगी, ये ऑनलाइन है धोखाधड़ी बहुत होता है, क्लियरिटी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं क्लियर करता हूँ भाई, हम तो ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी में भी सको किसी को तो कोई फायदा नहीं है भाई। इधर पास में दिखा दे, चल और आजा पास में, दिया दोस्ता जी वो बटन दब गया शायद मेरा, उसमें तेरा बटन ऐसे दब जाता है, इधर हमारा बटन दबा देंगे वो लोग, वाक तो बटन दबा दिया कर, चलो डालते रहो डालते रहो। देख सकते हैं
इसमें 100 ग्राम या 150-200 ग्राम बचा हुआ होगा, ठीक है। और बाकी नाप लेंगे और जितना गेज से आएगा उतना पूरा डाल देंगे। फिर ढक्कन को लगाओ। अब लाओ भाई ओरिजिनल कूलेंट लेके आओ जरा। चलो इधर से पेटी खोलो। अभी कूलेंट को ड्रेन कर दिया, कुल्ली खाली कर दी हमने। कूलेंट में यूज करने वाला हूँ ये टाटा का, ये ऑटो कैंप के नाम से आता है, टाटा का रिकमेंडेड है। यहाँ भी टाटा का पूरा साइन बना हुआ है और इधर भी टाटा के पूरे ऑथोराइज का डिटेल दिया हुआ है। क्लियर करो, इधर भी क्लियर करो, टाटा दिखना चाहिए। तो ये ओरिजिनल कूलेंट है, चूँकि टाटा के लिए स्पेशल बनाया गया है। और मैं वही डालने वाला हूँ। सील वील का थोड़ा ध्यान रखना, इस पर भी लिखा हुआ होता है, इस पर भी होता है, ठीक है, कंपनी का ही नाम होता है। तो जो जिस गाड़ी में सक्सेस हो उस गाड़ी में डालना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हम 3 लीटर यूज करने वाले हैं इसमें। नीचे से पाइप टाइट है भाई? वाह भाई, कूलेंट मस्त है, कूलेंट है। तो पहले एक बार दो बार गर्म करके चेक करना होगा हमें बढ़िया करके, फिर फिलअप करना होगा, ट्राई लेके आना होगा, फिर फिलअप करना होगा कूलेंट को। तो चूंकि 3 लीटर कूलेंट मैं इसमें यूज करूंगा, और माल जो डल जाए ना ओरिजिनल भाई, तो क्या बात है। अभी जा रहा है, इसको जाने देंगे, अभी बच रहा है, गाड़ी स्टार्ट करके अंदर डालेंगे, ठीक है। अभी ढक्कन को लगाएंगे नहीं, इस वाले ढक्कन को, अभी उसके बाद खाली पोछ दे, मुझे उठाइयो। ये देखो थोड़ा सा गिरा और मैंने साफ कर लिया कपड़े से, हरे कलर से साफ किया, फिर भी देख रहे हो कलर। ये मैं गियर ऑयल यूज करने वाला हूँ, गियर ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल दोनों, चूंकि एक ही डलता है, गियर ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल दोनों एक है, तो मैं इसको यूज करने वाला हूँ दोनों में, गियर ऑयल डिफरेंशियल ऑयल दोनों सेम है, तो मैं इसे भी डालने वाला हूँ, क्योंकि 70+ चल चुकी है, पता नहीं चेंज हुआ है कि नहीं, और थोड़ा ऑयलों का देखते ही कैसा निकला, तो मैं सारा इसे चेंज कर रहा हूँ। एयर फिल्टर कब लेके आओ भाई? अभी अब फिल फिल्टर ये सारा हो गया, अब एयर फिल्टर मैं यूज करने वाला हूँ, देख सकते हैं टाटा का एयर फिल्टर है। कोशिश यही कर रहती है अपनी कि माल सारा जेन्युइन ही डाला जाए, पर मार्केट में एक मिनट खड़न खड़न मत करो अतुल, लेकिन अतुल एक मिनट होल्ड करो, मार्केट में शॉर्टेज की वजह से कई चीज़ें होती है जो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि घर पे हमारे खुद की तो फैक्ट्री है नहीं कि मैं बना लूँगा, मार्केट में जो पार्ट मिलेंगे उसको डाला जाएगा। हम कोशिश यही करते हैं कि माल ओरिजिनल मिल जाए, पर बड़ी कोशिश करने के बाद भी ऑयल फिल्टर मेरे को नहीं मिल पाया, प्यूरोलेटर का मिल पाया, टाटा का मिला था लेकिन वो लोकल दूसरा आ गया, छोटा साइज आ गया। तो अभी मैं ओरिजिनल एयर फिल्टर को मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसमें कूलेंट डाली दिया, इंजन ऑयल डाली दिया, और ओरिजिनल में क्या है मैले का निकलता है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये टाटा लिखा हुआ है और महिले कंपनी का है, ठीक है। तो इसको मैं लगाने वाला हूँ। ये हमारा हो गया एयर फिल्टर, अब लगा देंगे इसका ढक्कन एयर फिल्टर का, जो कि मैंने अंदर से तो काफी चकाचक कर लिए हैं, बाहर से धुलाई पे आवेगा। बस एयर फिल्टर प्रॉपर फिट हो गया, अब इसमें कूलेंट, इसको साफ करके कूलेंट इसमें डालेंगे, और ब्रेक ऑयल कम है देख सकते हैं, लेकिन अभी ब्रेक ऑयल फुल नहीं करना, इसको ब्रेक ऑयल डालना नहीं है। हमने डिस्पैट को सबसे पहले डिस्पैट चेंज करना है, ऑटोमेटिकली डिस्पैट चेंज करेंगे तो ओवर हो जाएगा। तो अभी चिमटा लग रहा है इधर का, ऊपर वाले चिमटे बूस्ट हुआ के यहाँ फिट कर दी, ऊपर वाले चिमटे, ये सोकर गैब्रियल के ओरिजिनल सोकर ले आकर फिट कर दी, देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये अपना सेंटर पिन, ये भी करवा के, बुशिंग करवा के फिट कर दी, ये जंपिंग रोड बुश, जंपिंग रोड की किट, जंपिंग रोड की बुश ये चेंज कर दी, ये पुराना वाला बुश एरा, ये किट विट सारे एरे, सोकर गैब्रियल का ही देख ही सकते हैं। एंड लेके आओ जरा, ये जो है एंड असेंबली देख सकते हैं, टायरोड एंड असेंबली, इसको हमें न्यू लगाना पड़ेगा क्योंकि पूरी तरीके से कट गया था, और आप देख सकते हैं कटा हुआ, देख सकते हैं कितना बुरा हाल है एंडो का। तो ये मुझे असेंबली चेंज करनी पड़ रही है, ठीक है, और बाकी फिटिंग कर रहे हैं, ये एक एक चीज की फिटिंग हो रही है तरीके से, ये देख सकते हैं। अभी डिस फेस कराया मैंने, और इस पे जो है ना ब्रेकों की जो पकड़ होगी काफी अच्छी होगी,
लाओ जरा डिस पैड दो इधर, ऐसे डब्बा दे दो भाई, चूंकि ये डिस पैड यूज कर रहा हूँ टीवीएस का, और इस पे कुछ इन्होंने लिस्ट दिया हुआ है, थैंक यू लिखा है यूज करने वालों को, और टीवीएस है अपाचे, तो बढ़िया डिस पैड है, क्योंकि टाटा का इसलिए नहीं यूज करें कि 3800 रुपए का टाटा का है इसमें, तो कोई फायदा नहीं है, ये 800-1000 रुपए का ये होगा, ज्यादा ज्यादा 900 या 1200 रुपए का होगा, वो 3800 रुपए का कोई फायदा नहीं है, बढ़िया है टीवीएस का, उसमें भी टीवीएस का ही निकलेगा। अभी पता है क्या है, अलाइनमेंट करवाए, अलाइनमेंट वाले ने मना कर दिया भाई, गड़बड़ है पीछे का, सस्पेंशन करना ही पड़ेगा। मैंने देखा तो बूस सारे कटे हुए थे, देख सकते हैं सारा, और ये चीजें हैं, ये मैंने बूस डलवा दी है, देखो कैसे कटा हुआ है बूस, ये पुराने बूस है, ये बूस चेंज करा दी, ये देखो ये भी कट रहा है, ये कट रहा है, ये देखो ये बूस कट रहा है, ये देखो परखच्चे उड़े पड़े हैं इस बूस के, ये कटा पड़ा है, ये कटा पड़ा है, ये कटा पड़ा है, वैसे चेक होने में तो नहीं पता पड़ रही थी, लेकिन कटे पड़े थे, तो मैंने सारे न्यू डलवा दिए, देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बड़े वाले डंडे के भी डलवा दी बूस, इधर से भी और इधर से भी, जेन्युइन बूस डलवा दिया टाटा का ही, ओरिजिनल में लेके आया। अभी रहा जंपिंग रोड का बूस, ले आओ जरा जंपिंग रोड का बूस, कहाँ है भाई जंपिंग रोड का बूस, ये वाला, ये भी कट गया था पूरा, लाओ जी, ये चूंकि जैमको का मिला है, देख सकते हैं 5 रुपए का ये जैमको, तो ये भी जेन्युइन बूस, ये भी डाल देता हूँ मैं, जैमको का है, टाटा का नहीं है, जैमको का, तो ये भी कट रहे थे, इसको भी डाल देता हूँ। ये देखो ये भी रोड लेके आया मैं, नीचे रखो, हाँ ये रोड भी बड़ा वाला देख सकते हैं, सेंटर रोड, इसको भी डालना पड़ा क्योंकि अलाइनमेंट वाला ने मना कर दिया, बोला भाई डालने ही पड़ेंगे तुम्हें। ये देख सकते हैं टेलब्रोस का जेन्युइन है, टाटा का नहीं है, टेलब्रोस का है, मार्केट में टाटा शॉर्टेड है, ये वाला बड़ा वाला रोड। चलो भाई सारे एक एक चीज लगाओ, सब बाल जॉइंट सारे कसो, इतने से मजा खराब हो रहा था इस गाड़ी का। भाई हमने जो है पीछे के भी दोनों सोकर बदल ही दिए, क्योंकि जो ना जो स्मूथनेस थी वो थी नहीं, मजा किड़किड़ा हो रहा था। ये अब उसे जो ना बुरी तरीके से देख रहे हैं ना, ये सब भागी फिर रही थी ऐसे ही, तो मैंने एक बार में मजा आ जाएगा गाड़ी चला के, स्मूथ हो गई, पीछे से भी चेंज कर दी, अब रह गया गियर ऑयल डिफरेंशियल ऑयल का। ये गियर ऑयल निकला है ठीक है, और गियर ऑयल बहुत ही ज़्यादा काला है यार, यकीन मानेंगे आप, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना काला, तो काफ़ी ख़राब हो गया था गियर ऑयल, तो मुझे ये चेंज करना पड़ा गियर ऑयल को, और चूंकि गियर ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल दोनों लेके आया हूँ, और कैस्ट्रोल का ही लेके आया मैं, तो उसको दोनों को चेंज कर देते हैं। तो गियर ऑयल के कंडीशन के हिसाब से लग रहा है कि गियर ऑयल बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए गियर ऑयल डाल देते हैं, डिफरेंशियल ऑयल भी चेंज कर देते हैं। अब गियर ऑयल मैं ये वाला लेके आया हूँ, 80W90 कैस्ट्रोल ट्रांसमैक्स मैनुअल, और देख सकते हैं, तो ये गियर ऑयल है, और यही डिफरेंशियल ऑयल में डलेगा, तो मैं दो कनस्त्री लेके आया हूँ, दोनों आगे पीछे डलवा देता हूँ। रबड़ बिल्कुल न्यू डाल दी इधर की, दोनों साइड में रबड़े डाल दी हमने, देख सकते हैं ग्रीस लगा के डाल दिया, ये मिल गई बस, इंजन का कवर ही लग गया, इसमें कूलेंट डाल दी हमने, देख सकते हैं इसमें कूलेंट भर दिया, बाकी इसमें कूलेंट डाल दी, पावर स्टीयरिंग वो थोड़ा सा कम है, उसे मैं लेवल टॉप कर लूँगा, बैटरी वाटर अब चेक करने वाले हैं, पूरी बैटरी वाटर, और जो प्रोसेस है वही चलेगा। अभी ब्रेक ऑयल देखे हमने, ब्रेक ऑयल इतना लेवल इतना था अभी, लेकिन डिस पैड चेंज किए, लेवल देखो इतना आ गया, थोड़ा सा ब्रेक ऑयल टॉप अप होगा, थोड़ा सा पावर स्टीयरिंग ऑयल और बैटरी वाटर चेक होगा, उसके बाद से वाइपर सारे चेक होंगे। अभी थोड़ा सा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हल्के में ले रहा हूँ, इधर से पहिया टाइट हो गया। तो अभी हमने सारा कुछ कर लिया, सर्विस वर्विस सब कर दी, सस्पेंशन कर दिया, व्हील टाइट हो गए, अब जब भी स्टार्ट करेंगे तो हमने दो बार ऑन ऑफ करना होगा, एक दो, ठीक है, एक बार और कर लेते हैं एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे, उसके बाद से सारी लाइटें चली गई बिल्कुल एक्यूरेट है, और चूंकि डीजल फिल्टर चेंज किया है, एक लाइट आई है अभी, रिटर्न आई है, इस लाइट को देखना होगा हर हाल में, और चूंकि कभी भी ऐसे डीजल फिल्टर फ्यूल फिल्टर चेंज किया तो उसमें एयर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, कम से कम आधा लीटर एक लीटर एक्स्ट्रा एयर निकाल लो,
और गाड़ी मूव करने से पहले यहाँ खुद चेक करना होता है काफी चीजें, जैसे ब्रेक का पैडल है, एक दो तीन चार, ऐसे तीन चार बार मारना होता है जरूर। जल्दी जल्दी मार लिए, पैडल अब आ गया फुल, ठीक है। उसके बाद से अब क्लच चेक करना होगा क्योंकि गियर ऑयल चेंज किया है, तो गियर ऑयल चेंज किया तो हमने क्लच की स्थिति देखनी होगी जरूर। अब गियर जो बहुत ज़्यादा चेंज किया तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी लग रहे थे गियर और स्मूथ नहीं लग रहे थे, तो गियर ऑयल चेंज किया, गियर ऑयल खराब था पूरा। अब देखते हैं कितना, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बैक गियर, ठीक है। तो ये गियर का, ठीक है, सारे गियर बढ़िया लग रहे हैं, कोई फंस नहीं रहा है, ये स्मूथ हो गया। उसके वजह से अब मुझे वाइपर चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, तो मैं वाइपर को चेक करता हूँ क्या कहानी। पानी डालो भाई, पानी, पानी का फोकस देखो कहाँ जा रहा है, कहीं और ही जा रहा है, पानी का फोकस चेक करो, पानी का फोकस जब तक चेक कर रहे हैं वो लोग, तब तक हमने एसी का, चूंकि इसमें फिल्टर होता नहीं है एसी का, तो इसलिए मैं एसी चला के थोड़ा सा भी देखूंगा पहले, गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट होके वो जाने दो सही। अभी हैंड ब्रेक की जो लाइटें हैं डाउन करके देखता हूँ जा रही है, ठीक है। दरवाजा कौन सा खुला रह गया है, कोई दरवाजा इधर वाला लेफ्ट साइड वाला खुल रहा है दरवाजा। अब उसके बाद से सारे आरसी हैंडल चेक होंगे, इंटीरियर सारी चीज चेक होगा, रूफ की लाइटें चेक होगी, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है, इनकी बीच वाला कनेक्शन ये जल नहीं रहा तो दिक्कत है इसमें। तो ये चीजें पड़ जाती हैं। अब इसकी अलाइनमेंट होगी, सबसे पहले एसी को चेक कर लेते हैं एक बार, ब्लोअर का कंडीशन क्या है। एक ऑफ, एक पे करके एसी की आवाज आई, अभी कट से नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी चालू है एसी। अरे सारी लाइट चेक करो जरा एक बार, सारी लाइटें चेक करो, ये देखो हाई बीम लो बीम चेक करो, हैजार्ड लाइट, सारी लाइटें चेक हो रही है, जरूरी है एक एक चीज। उसके वजह से सारे डोर हैंडल, सारे विंडो चेक होंगे इसके, क्योंकि हमारा खुद का प्रोसेस होता है और प्रोसेस के हिसाब से काम होता है, बिना प्रोसेस काम होता नहीं है। हॉर्न बढ़िया काम कर रहे हैं, और सारे दरवाजे का लॉक चेक करो सारे इंटरनल, ठीक है। सारी लाइटें चेक कर लो, आगे पीछे के सारे दरवाजे का हैंडल चेक करो, हाँ सारे दरवाजे का हैंडल चेक करो, हाँ सारे दरवाजे का हैंडल चेक करो, मिरर चेक करो, अप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारे चीज चेक करो, कहीं से बम्पर बम्पर का नक्का तो नहीं लूज है, सारे बम्पर के पीछे का लेगाड़ चेक, हाँ चलो देखो। देखो ब्रेक पे लाइटें चेक हो रही हैं, देखो ब्रेक पे लाइटें चेक करो, सारे दरवाजों में ग्रीस लगाओ भाई बढ़िया करके, उसके बाद हैं सारे दरवाजों में देख के ग्रीस लगाओ एक एक चीज, मजा आ जाना चाहिए गाड़ी के अंदर। चलो सही है उस्ताद जी, सब लाइट ओके है, व्हील चेक कर लो एक बार चारों, फिर ये देखो कहा पानी का फोकस सही नहीं है अभी भी, पानी का फोकस अभी सेट करवा रहे हैं, बाकी इसको अलाइनमेंट करवा, तो अलाइनमेंट होने के आई है, अभी कैम्बर हो रहा है उसका, कैम्बर खोल रहे हैं, तो अभी देख सकते हैं सिस्टम पे अभी लग चुका है। गाड़ी बढ़िया हो गई अलाइनमेंट के बाद से, और अच्छी हो गई,
भाजी भाजी टाइम में कुछ लाइटें ऐसी आ जाती हैं, खाम ही खा लाइट आ जाती है, सर्विस की खाम ही खा लाइट आई थी, अपने आप चली गई। खैर मैंने तो ध्यान नहीं दिया, अभी ड्राइवर ही लिया चली गई। पर ये जो है ना कुछ लाइटें ऐसी होती हैं जो मिस्त्रियों को परेशान करने के लिए स्पेशली आती हैं। बढ़िया है गाड़ी, सब मिला जुला के अच्छी है गाड़ी, चलाने में जो फील है वो सफारी का किसी गाड़ी में नहीं आता है। जो बात है इसकी वैल्यू सबको नहीं पता है सफारी के। तो अभी देख सकते हैं गाड़ी धुलवा रहा हूँ मैं, ड्राइवर ले लिया, गाड़ी बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। और बहुत सारा चीज़ मैंने नहीं दिखा पाया आपको, बहुत सारी चीज़, क्योंकि काम का प्रेशर रहता है ना, तो सब चीज़ का वीडियो प्रॉपर अभी फिलहाल नहीं बन पाया जैसा मेरे को वीडियो बनाना चाहिए एक एक चीज़ का। हब की ग्रीसिंग भी करी थी वो भी नहीं दिखा पाया, गियर उल्टी पर बहुत सारी चीज़ें छूट गई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पर काम तरीके से हुआ भाई, टाटा सफारी एक्यूरेट हो गई। अब हैरियर का नंबर है, अभी वेटिंग में चल रही है हैरियर। अभी इको स्पोर्ट का इंजन स्टार्ट कर लिया, देख सकते हैं अभी दो तीन लाइटें आ रही है, वो देखूंगा मैं। अभी मामला चल ही रहा है, टेम्परेचर देख रहा है सिर्फ, यहाँ देख सकते हैं कूलेंट टेम्परेचर ही चल रहा है, अभी वही लाइव टेस्टिंग चल रही है, फैन कोई डीले तो ना कर रहा है। बाकी टाटा सफारी जाती हुई, कस्टमर को हैंडओवर कर दिए वो। अब टाटा हैरियर का नंबर है, उसे अभी लगावेंगे।